नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी आदत को चेंज कर सकते हो। यह आपकी आदत है। कुछ इंसान की अच्छी आदतें होती हैं, गुड हैबिट्स होती हैं, कुछ आदतें गलत होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं। देखिए दोस्तों, हम जो हैं जितने भी आदतें अच्छी अच्छी बनानी चाहिए, और जितने भी बेकार गंदी आदतें हैं वो हमें त्याग देनी चाहिए। बट हमें यह नहीं पता कि कैसे एक आदत से दूसरी आदत की तरफ ट्रांसफर किया जाए, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो हमारी लाइफ है, जो हैबिट है, वो क्या है? हैबिट, अगर इसको विद्वान डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहते हैं? सबसे पहले होती है नॉलेज। व्हाट और व्हाई, यह क्या चीज है और क्यों मैं करूं? एक शराबी कहता है यह शराब क्या है और इसे मैं क्यों पीऊं? ऐसे एक व्यक्ति कहता है कि लोगों की शराब छुड़ानी चाहिए, क्यों छुड़ाई जाए? तो ये नॉलेज से चलती है। उसके बाद होता है प्रोसेस। प्रोसेस हाउ, कैसे, एंड इन लास्ट डिजायर, उसकी इच्छा है, डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन, एक व्यक्ति को पता ही नहीं क्या चीज है तो उसकी इच्छा कैसे जागेगी? तो यह तो हैबिट है। हैबिट के लिए तीन चीजें होनी चाहिए: नॉलेज होनी चाहिए, प्रोसेस का पता होना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए। अगर आपको गलत आदत लग गई है तो उसके बारे में आपको जानकारी है, उसका प्रोसेस पता है, और वो आपकी इच्छा बन गई है, आप चाहते हो, यू वांट टू डू सेम थिंग, तो इस चीज को इस तरफ कैसे लाया जाए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, हम अपनी सभी आदतों को चेंज कर सकते हैं तीन चीजों से। ये लाइफ है, ये लाइफ है, इसमें एक तरफ है हमारा एक्सपीरियंस, यह एक तरफ है, मैंने यह अनुभव प्राप्त किया, गुड और बैड। बैड, उसके बाद एटीट्यूड। एटीट्यूड, दृष्टिकोण, अगर मुझे यह अनुभव प्राप्त हुआ है तो अब मेरा जो दृष्टिकोण होगा, दुनिया को कैसे देखता हूं, वो गुड और बैड हुआ, गुड और बैड। और तीसरा जो है क्रिएशन, क्रिएट भी गुड और बैड होगी। अब देखिए कैसे आदत चेंज होगी, इसको मैं यहां बताता हूं। देखो कैसे आप आदत चेंज कर सकते हो। आपको एक्सपीरियंस मिला बैड, ठीक, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपका जो एटीट्यूड था, यानी आपकी धर्म पत्नी ने आपको धोखा दिया, ये एक आपका बैड एक्सपीरियंस है, आपने एक एटीट्यूड बना दिया, एटीट्यूड बैड। अगर मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया तो सभी की पत्नियां सभी के पति को धोखा देती हैं, तो आपने क्रिएट क्या किया? क्रिएशन बैड मीन्स आप समाज को क्या दे रही हो, वो बैड दे रही हो। तो एक गंदी आदत, हैबिट आप
में क्रिएट हो गई। तो यहां तक तो ठीक था कि आपका एक्सपीरियंस बैड था, गुड भी हो सकता है बैड भी हो सकता है, आपका इसके ऊपर कंट्रोल है, आपका इसके ऊपर कंट्रोल है, आपका एटीट्यूड बैड है, पर हमेशा ही जो सोच है, एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है वो गुड होना चाहिए। आप इसके ऊपर स्ट्रेस दीजिए, कुछ भी हो, मेरा एक्सपीरियंस पास्ट में जैसा भी हो, मैं हमेशा ही अपना एटीट्यूड अपने हिसाब से चलाऊंगा, अपनी इमोशंस जो गलत थी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। आजकल लोगों की इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो अपने एटीट्यूड आपने गुड रखना है, तो इससे क्या होगा, गुड क्रिएशन होगी, आपकी एक अच्छी हैबिट बनेगी, आदत। तो इस तरह से हमने बैड को गुड में बदल दिया। बुराई एक्सपीरियंस से आई, रिश्तेदारों से आई, फ्रेंड सर्कल से आई, आपके नेबर्स में सोसाइटी है वहां से आई, गंदगी वहां से आई, और आपने अपना दृष्टिकोण भी बैड बना दिया। उससे आपकी जो क्रिएशन थी, क्रिएटिविटी थी, वो बैड हो गई। आपने एक गंदी आदत जो बाहर से आई थी अपने में अपना ली। अब क्या करना है, चाहे गंदगी जितनी हो, आपने अपने आप को डिटरमिंड करना है एक बात के ऊपर, इस डिजायर के ऊपर कि मैं अपना एटीट्यूड हमेशा ही अच्छा रखूंगा, अपना इन्वायरमेंट जो है सोचने का अपने हिसाब से रखूंगा, तो आपकी क्रिएशन गुड हो जाएगी, आप एक अच्छी आदत अपना सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।